विजडम जस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सैयद गोरी मोहम्मद और मैं हिस्ट्री फैकल्टी हूँ। आज का हमारा जो चर्चा है हिस्ट्री के बारे में सवाल और जवाब के रूप में देने वाला हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सुदर्शना लेक इन द सेमी एरिड जोन ऑफ खथियावार वॉज इम्प्रूव्ड बाय अशोका, विक्रमादित्य, बिंबिसारा, रुद्रदामन। सुदर्शना लेक इन द सेमी एरिड जोन ऑफ खथियावार वॉज इम्प्रूव्ड बाय, जो सुदर्शना लेक है वो खथियावार मतलब गुजरात का खथियावार डिस्ट्रिक्ट में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मौर्यन के ज़माने में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना रिलेटिव और नेफ्यू जो है वो पुष्यगुप्ता को एक आर्डर किया था एक तटाक बनाने के लिए, यानी एक लेक बनाने के लिए, और यहाँ पर सुदर्शना लेक को बनाया पुष्यगुप्ता ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के आज्ञा के अनुसार पुष्यगुप्ता ने ये सुदर्शना लेक को खथियावार में बना लिया। लेकिन ये खथियावार में बना हुआ सुदर्शना लेक को फिर उसके बाद रुद्रदामन शका रूलर था, रुद्रदामन, और ये शका रूलर रुद्रदामन सुदर्शना लेक का रिपेयर करते हुए अपना जो इंस्क्रिप्शन है उसी को कहते हैं गिरनार इंस्क्रिप्शन में, यानी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में बहुत क्लियरली सुदर्शना लेक का ऐतिहासिक रूप और रेखा को बताया गया, ऐतिहासिक चरित्र को बताया गया। सुदर्शना लेक का जो इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसका डिस्कशन किया रुद्रदामन ने गिरनार इंस्क्रिप्शन को ही, और एक नाम से जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। गिरनार इंस्क्रिप्शन है गुजरात में, राइट। ये गिरनार इंस्क्रिप्शन का फाउंडर था रुद्रदामन ने, और ये गिरनार इंस्क्रिप्शन फर्स्ट इंडियन इंस्क्रिप्शन टू इंस्क्राइब इन संस्कृत वर्शन, जो संस्कृत वर्शन में जो लिखा गया इंस्क्रिप्शन है गिरनार इंस्क्रिप्शन, जो वो सुदर्शना टैंक का बहुत विशेषता को बताया गया था, राइट। सही जवाब है रुद्रदमन। अगला सवाल हो गया, इन मिलिंदा पन्हो हु आंसर्ड द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। मिलिंदा पन्हो एक बुद्धिस्ट का ग्रंथ है, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है मिलिंदा पन्हो। यहां पर मिलिंदा मतलब मेनांडर, एक इंडो ग्रीक राजा था मेनांडर, और पन्हो मीन्स क्वेश्चंस। मिलिंदा पन्हो का मतलब यह हो गया क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। एक इंडो ग्रीक रूलर था जो इंडिया में वो शासन किया, और ये इंडो ग्रीक रूलर मिलिंदा यानी मेनांडर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बुद्धिस्ट लिटरेचर में उन्हें क्या बोलते थे, मिलिंदा बोलते थे। और पन्हो पाली लैंग्वेज में पन्हो का मतलब यह हो गया क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा और मेनांडर। और ये मिलिंदा ने सवाल करने लगा, क्योंकि मिलिंदा के जो आस्थान में एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु रहता था, और उनका नाम है नागसेना नाम का एक बौद्ध भिक्षु रहता था मिलिंदा के कोर्ट में। और ये बौद्ध भिक्षु और ये मिलिंदा के बीच, मेनांडर के बीच बुद्धिज्म के बारे में सवाल और जवाब हुआ, और मेनांडर का जो सवाल है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर देता था नागसेना भिक्षु। और ये दो, मेनांडर का सवाल और नागसेना भिक्षु का जवाब, दो मिलके एक बौद्ध ग्रंथ के रूप में लिखा गया है, उसका नाम है मिलिंदा पन्हो। अब यहां पर सवाल यह होगा, इन मिलिंदा पन्हो हु आंसर्ड द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, नागसेना, ऑप्शन ए, नागसेना आंसर्ड द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, क्योंकि नागसेना भिक्षु एक बौद्ध सन्यासी था, बौद्ध भिक्षु था वो, जो मेनांडर के आस्थान में रहता था। ही फ्लोरिश्ड इन द कोर्ट ऑफ मेनांडर, और पाली भाषा में एक ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ का नाम हो गया मिलिंदा पन्हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप जो हमारे चर्चा में भाग लिए और हमारे जो वीडियोस देख रहे हो, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो चैनल है विजडम जॉब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ हमारे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं आप उस वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।